नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, हम सबको बेसब्री से यूटीआई एएमसी का इंतजार था। इस आईपीओ के सीजन में बहुत सारे आईपीओ आए, लेकिन जो यूटीआई एएमसी हमें मजा देने वाली है वो किसी और में हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कैपिटल को डबल करके गई है कई आईपीओ, जैसे कि हैप्पीस्ट माइंड हो गया और भी कई कितने सारे आईपीओ आए हैं। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का भी चल भी रहा है ये अभी, तो इसमें अपना यूटीआई एएमसी भी आ गया है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और बात करें तो 3000 करोड़ का फ्रेश इशू लेके आई है। और अगर इसकी कंपनी की बात करूँ तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2002 और यूटीआई एएमसी इज़ द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस टू इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट और नेटवर्थ क्लाइंट। जो यूटीआई एएमसी का जो वर्क है वो सर्विस प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को, और खुद का म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। पोर्टफोलियो मैनेज करती है वो नॉन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट्स का, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स जो हैं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है पीएफ का, जो पीएफ के पैसे जाते हैं उसको मैनेज करती है, एनपीएस को मैनेज करती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को मैनेज करती है। तो बहुत सारे फंड्स ये कंपनी मैनेज करती है। अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल के जो रेटिंग कंपनी है, यूटीआई एएमसी इज़ द लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम। दोस्तों, अगर टोटल एयूएम की बात करें एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसके अंदर में कितनी एसेट, कितने रुपए पड़े हैं, ये कितने रुपए को मैनेज करती है, तो पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे आती है। अगर आप लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बहुत सारे एएमसीज हैं, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी और बहुत सारे एएमसी, लेकिन जो यूटीआई है वो सबसे टॉप पर है। और वहीं अगर बात करें टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड QAUM के बारे में, तो विद 1542 बिलियन और आल्सो ये एक लार्जेस्ट है, 7th नंबर पे यहाँ पे आती है। अच्छा, और अगर हम आगे इस पे चलेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ देखो यूटीआई एएमसी हैज एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में यही आई थी यूटीआई, एंड हैज़ बीन द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज फॉर मोर देन 55 ईयर्स विद अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे पुरानी कंपनी है ये यूटीआई एएमसी। और यूटीआई एएमसी की अगर हम बात करें तो यूटीआई एएमसी हैज़ 11 मिलियन लाइफ फोलियोस अकाउंटिंग, अभी जो है 11 मिलियन लाइफ पोर्टफोलियोस को ये मैनेज कर रही है फॉर 12.8% ऑफ क्लाइंट बेस मैनेज्ड बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो जितना बड़ा इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका 12.8% क्लाइंट बेस इनके पास ही है। और अगर हम बात करें यूटीआई एएमसी हैज़ अ नेशनल फुटप्रिंट विद 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हैं, और चीफ एजेंट्स की अगर बात करें तो 33 अदर ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस इसका, 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इनके अंडर में हैं जो काम करते हैं। तो काफ़ी बड़ी ग्रुप है, तो ये समझना ज़रूरी है कि हम जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने जरूर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट, यूटीआई एएमसी हैज़ 4 स्पॉन्सर्स, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक एंड बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, टोटल के टोटल ईच ऑफ विच हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज मेजोरिटी शेयर होल्डर। सबके सब गवर्नमेंट कंपनी हैं, सरकारी कंपनीज हैं। यूटीआई एएमसी हैज़ अ ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट भी कंपनी भी है इसके स्पॉन्सरशिप में, स्पॉन्सर है जो है टी रॉ प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड एज वन ऑफ इट्स मेजर स्टेक होल्डर विद 26% स्टेक इन द कंपनी। जो टी रॉ प्राइस इंटरनेशनल है वो उनका जो स्टेक है यहाँ पे वो 26% है। एज ऑफ सेप्टेम्बर 30, 2019 यूटीआई एएमसी मैनेज 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आई है 30 सेप्टेम्बर 2019 तक का रिपोर्ट है, 178 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ये मैनेज कर रही है, कंप्राइजिंग इक्विटी, हाइब्रिड इनकम, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड्स। अच्छा, अब कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल पर डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ कि आपको जो
जानकारी मैंने ऊपर दी वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसकी फाइनेंशियल्स के बारे में हम डिस्कस करें तो आप देखो मार्च 2018 तक इसका जो टोटल एसेट था वो 29,192 था करोड़ था, और ये हौली हौली अब देखो बढ़ा ही है, और 30 जून तक का जो इसका टोटल एसेट 32,634 करोड़ रुपये। और टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू जरूर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विड्रॉल किया था म्यूचुअल फंड से पैसे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो पहले 2018 में 4,000 करोड़, उसके बाद 3,400 करोड़, उसके बाद 2,700 करोड़, अभी 1,000 करोड़। ये अभी कब तक का है, ये पूरे ईयर्स का नहीं है, पूरे ईयर का नहीं है, ये 30 जून तक का है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, टू द अचीव बेनिफिट लिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेल अप। अब देखो कितने इक्विटी शेयर सेल कर रहे हो, 38,98,07,081 इक्विटी शेयर्स सेलिंग बाय शेयर होल्डर्स। अब बात करेंगे इसके डिटेल्स की, डिटेल्स से अगर आपकी बात करें तो आईपीओ का जो डेट है वो 29 सितंबर को खुल रहा है और 1 अक्टूबर को बंद हो रहा है, मतलब क्लाइंट्स के पास 3 दिनों का समय है। अगर इशू टाइप की बात करूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इशू साइज की अगर बात करूँ तो आप देखो 10 रुपये ईच शेयर के हिसाब से, पहले मैंने बता दिया 38,98,07,081 शेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और फेस वैल्यू की बात करूँ 10 रुपये का फेस वैल्यू है। वही अगर आईपीओ की प्राइस का बात करूँ, प्राइस बैंड 552 रुपये से 554 रुपये। मार्केट लॉट की बात करूँ तो 27 शेयर्स का लॉट है, और बीएससी और एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होने जा रही है। अगर डेट्स की बात करूँ तो बिड ऑफर ओपन हो रहा है 29 को और क्लोज हो रहा है 1 को। वहीं 7 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को इनिशियल रिफंड हो जाएंगे पैसे जिनको नहीं मिला, और 9 तारीख को डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा, और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 12 तारीख को होगी। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं, मिनिमम आप 1 लॉट लगा सकते हैं, 1 लॉट 14,958 रुपये लगेंगे, और 13 लॉट 351 शेयर को लगाने के लिए 1,94,454 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों बस ये वीडियो था, होप करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। और बाकी जो भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आएगी आगे, क्या ग्रे मार्केट प्राइस है, सारा कुछ हम आगे आपको डिस्कस आपके साथ करें।